नमस्कार आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूँ नकमा ये जो हफ्ता है ये जो हफ्ता गुजरा है वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ वीक के तौर पे मनाया जा रहा है चार अक्टूबर से लेकर दस अक्टूबर के बीच मेंटल हेल्थ वीक मनाने की सूचना आई है अक्सर हमारे मुल्क में मेंटल हेल्थ को नज़रअंदाज़ किया जाता है और कई दफ़ा इसे गलत भी समझा जाता है दिमागी बीमारियां जो हैं हिंदुस्तान में उन पर खामोशी बनी रही है वो पर्दे के पीछे रही उन पर बात करना अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि फिर लोग समझेंगे कि शायद आप पागल हैं नए आंकड़े बताते हैं कि साठ मिलियन यानी छः करोड़ भारतीय किसी न किसी, किसी किस्म की दिमागी बीमारी का शिकार हैं जिसमें डिप्रेशन सबसे ज़्यादा आम है अभी भी जो मेंटल इलनेस है यानी दिमागी बीमारी वो सबसे ज्यादा कॉमन डिसऑर्डर है हिंदुस्तान में लेकिन फिर भी ये सबसे कम समझी जाती है और भारतीय जो हैं वो इसको अभी भी एक तरह से इस पर एक टैबू है यानी इस पर बात नहीं करना पसंद करते और एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में दुनिया में पैंतालीस करोड़ मनोरोगी हैं इनका सत्रह फीसदी हिस्सा चीन में रहता है पंद्रह फीसदी भारत में रहता है बहुत सारे आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है समझना पाँच से छः करोड़ मनोरोगी भारत में हैं मुंबई जैसे शहरों में यानी बड़े शहरों में तो सौ में से तीन मनोरोगी हैं और उन तीन में से एक न्यूरोटिक भी हैं मेडिकल साइंस की एक काफी प्रतिष्ठित मैगजीन है द लानसेट और द लानसेट साइकियाट्री में एक लेख छपा जिसके मुताबिक अगले दस साल में चीन के मुकाबले भारत में मनोरोगियों की तादाद बढ़ने वाली है 2005 में आंकड़े दिए थे मई Uh, मई 2016 में 2005 के आंकड़े जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा उन्होंने लोकसभा को सूचित किया था इसके बारे में और एक नया बिल भी इस पर आ रहा है लेकिन भारत जो है वो अभी भी अपने बजट का शून्य दशम दशमलव शून्य छः फीसदी मेंटल हेल्थ केयर पर खर्च करता है और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिन्हें अभी भी कोई मदद नहीं मिलती या कहें कि इसका वो इलाज कराने में सक्षम नहीं है उन्हें पता नहीं है कि कहाँ जाए मेरे साथ इस पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित पैनल है जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में और जो हमें समझाएंगे और बता सकते हैं कि दरअसल मेंटल हेल्थ से हम क्या समझें और हम कब समझें कि हमें किसी किस्म की दिमागी बीमारी है या हमें डिप्रेशन है डिप्रेशन आमतौर पे बहुत इस्तेमाल किया जाता है ये लफ्स खास करके जो युवा हैं डिप्रेशन है डिप्रेस्ड है, है पर इसका मतलब क्या है आप कैसे समझेंगे कि आप कब डिप्रेस्ड हो गए डॉक्टर नीमेश देसाई जो आंकड़े हमने अभी बताए उनसे उनको जानने के बाद ये एहसास होता है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और अगर इसको हम सबसे कॉमन डिसऑर्डर माने भारत में फिर भी इस पर बात नहीं होती कितनी कॉमन खास करके अब के दौर में ये कितना कॉमन हो गया है पुराने वक्त में करीब पचास साल पहले तक समाज और काफी हद तक विज्ञान इनको सिर्फ पागलपन के रूप में देखता था तो लूनेसी या पागलपन के प्रिज्म से जब मानसिक बीमारियों को देखा जाता था तो नेगेटिविटी जाहिर है समाज अपने आप को बचा रहा था ऐसे व्यक्तियों के तथाकथित हिंसा से तो उनको मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाता था जीवन भर समाज अपनी रक्षा कर रहा था उन व्यक्तियों की सेवा या इलाज या रक्षा का उनके हकों की बातचीत कभी नहीं होती थी वो होने लगी है सिर्फ पिछले दस बीस सालों में और यहां सबसे पहला एक फर्क कर लेना जरूरी हो जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं डिप्रेशन एंग्जाइटी जैसे आपने आंकड़े बताए उनको कहा जाता था पहले न्यूरोसिस अब कहा जाता है कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स सी वो करीब कम से कम पांच या छह सात प्रतिशत जनता में होगा हमारे देशों में भी अमेरिका यूरोप में और ज्यादा होगा जो गंभीर मानसिक बीमारियां हैं जिनको पहले समाज और विज्ञान पागलपन समझता था और कहता था वो अनुवांशिक है बायोलॉजिकल है जीनेटिक है तो उनकी तादाद कल्चर और कंट्री या इतिहास में खास बदलती नहीं है तो वो कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स हैं डॉक्टर नंद कुमार जो कि अब लाइफस्टाइल की वजह से या तनाव की वजह से थोड़ा ज्यादा हो रहे हैं डिप्रेशन एक नॉर्मल इमोशन है डिप्रेशन वी ऑल फील एट टाइम्स So पर कैसे समझे डिप्रेशन को डिप्रेशन का मतलब क्या आता है इसलिए मुझे कब समझ में आएगा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ अगर उदास होना क्या डिप्रेशन है उदास होना बहुत मेरे ख्याल से एक प्राकृतिक बात है पर डिप्रेशन और उदास में क्या फ़र्क होता है हमारे हमारे वैज्ञानिक तरीके में क्या होता है कि उदासी को हम मानते हैं एक नॉर्मल इमोशन लेकिन जब उदासी लगातार रहती है जैसे कुछ नुकसान हो गया मैं उदास हो गया अगर ये उदासी लगातार दो हफ्ते तक है और इस उदासी के साथ साथ और भी लक्षण हैं जैसे कि और उदासी की कोई खास वजह नहीं है उस उदासी की उदासी की वजह खास नहीं है आप समझ नहीं पा रहे उदासी किस चीज से है नॉर्मली ऐसे समझ पाते हैं हम या कुछ ऐसी बात है कि बहुत मामूली सी बात है बहुत ट्रिवियल है बट उससे उदास नहीं होते लोग आमतौर पर बट आप फिर भी उदास लग रहे हैं तो इस उदासी के साथ साथ कुछ और लक्षण है जैसे कि मान लीजिए कि उदासी के साथ है कि मन नहीं लगना जो चीजें पहले आपको अच्छी लगती थी अब अच्छी नहीं लगती है थकावट महसूस होती है एक जो नॉर्मल एनर्जी होती है उसमें लगती है बहुत कमी आ गई जो एक फीलिंग होती है प्लेजरेबल फीलिंग अच्छा लगने वाला फीलिंग फीलिंग ऑफ वेलबींग well उसमें कमी आ जाती है और नींद कुछ कम आती है या अधिक आती है इसके अलावा ऐसा लगता है कि लोगों से मिलने का मन नहीं करता है एक सोशल आइसोलेशन सा लगता है जी। जिससे पहले बात करने का मजा आता था उससे मजा नहीं आता है अगर ये सारी सिम्टम्स सिम्टम्स हैं अगर ये ये, ये हम समझेंगे कि हमें डिप्रेशन हो सकता है सिम्टम कम से कम होना चाहिए दो हफ्ते के लिए हफ्ते अगर दो हफ्ते तक लगातार ये सिम्टम रहता है तो आप मान सकते हैं कि शायद डिप्रेशन हो रहा हो मैं मेरे साथ खास मेहमान मुंबई से जुड़ रही है शमा सिकंदर शमा एक्ट्रेस है बहुत जानी मानी एक्ट्रेस है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं शमा की कि वो तैयार हुई है कैमरे के सामने आकर बात करने के हमने देखा कि दीपा दीपिका पादुकोण ने इस बारे में बात की है करण जौहर है शाहरुख खान है बल्कि कई सेलिब्रिटीज अब सामने आ रहे हैं इस पर बात करने के लिए और शायद इससे लोगों को बहुत हिम्मत मिलेगी उन, उनको आपने ने बहुत मशहूर टीवी सीरीज ये मेरी लाइफ है मैं देखा होगा आ, शमा ये बताएंगे आप हमें कि डिप्रेशन के बात कर रहे हैं हम मेंटल डिसऑर्डर्स की भी बात कर रहे हैं तो एक बड़ी वजह जो है वो डिप्रेशन है वह एंग्जाइटी है जो नौजवानों को परेशान करता है अपने तजुर्बे से आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं आप इससे कैसे आपने डील किया कोप कैसे किया जी बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि ये नौजवानों को ज़्यादा अफेक्ट करता है क्योंकि अगर आप देखें आजकल हमारी लाइफ स्टाइल जिस तरह की हो गई है बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेस लेवल बढ़ गए हैं जिंदगी में हर एक चीज को लेकर और उन्हें उन्हें बेर करना उन्हें समझना और उनसे गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है मैंने जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे नाम की कोई बीमारी होती है और आ, इसका इलाज किया जा सकता है बिकॉज अगर आप इमोशनली किसी वजह से परेशान हैं तो आपको लगता है कि उसकी वजह आपके हालात होंगे या आपकी यू you नो know, कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है जिससे आप गुजर रहे हैं जी। आपको कभी ये एहसास नहीं होता कि क्या ये साइंटिफिक प्रॉब्लम भी हो सकती है uh, आपके ब्रेन के केमिकल्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं जिसकी वजह से आप इतना ड्रास्टिक बिहेव करते हैं या डिप्रेशन में होते हैं या आपको लाइफ बिल्कुल uh, uh, जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं लगता uh, और uh, जब ऐसे ऐसी चीजें होती हैं हिंदुस्तान में स्पेशली मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को मुझे नहीं था ना मेरे माता पिता को था मेरे माता पिता को लगा कि मैं पजेस्ट हो गई हूँ उन्हें लगा कि मुझे मुझे किसी शैतान ने काबू में कर लिया है बिकॉज हमारे यहाँ ऐसे अंधविश्वास चलते हैं हालांकि वो इतने इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते बट जब उन्होंने इतना ड्रासिक बिहेवियर देखा मेरा तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है तो क्षमा जब आपको समझ आई ये बात तो इससे कैसे आपने डील किया खासकर क्या ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पर तनाव बहुत ज्यादा है कॉम्पिटिशन बहुत है वो स्ट्रेस है लाइम का तो ये चीजें वैसे भी बड़ा तनाव में रखती हैं इंसान को जी बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है मोर देन एनी ऑफ दिस आई रियलाइज मैंने ये रिसेंट टाइम में सीखा कि हम एक्टर्स जो हैं कंटिन्यूसली हमारे इमोशंस को टेम्पर करते रहते हैं हम उनके साथ खेलते रहते हैं हमें हर दिन एक नया कैरेक्टर प्ले करना होता है और हम एक्चुअली एक नया कैरेक्टर लाइफ में इमेजिन करते हैं उसमें उस, उस कैरेक्टर की तरह रोते हैं हंसते हैं खेलते हैं कूदते हैं तो वो आप हर एक मोमेंट पे अपने दिमाग से कंटिन्यूसली प्ले कर रहे हैं सो इट्स नॉट नेचुरल वो कहीं ना कहीं आपको बुरी तरह से इफेक्ट करेगा और मैं लकी थी मेरे दोस्त थे जिन्हें पता था जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है और उन्होंने कहा कि आपको बायोपोलर डिसऑर्डर है तो मैंने पहले कहा कि ये क्या होता है Hmm. तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसा होता है तो मैंने मना कर दिया एज यूजल hmm. जैसे सब कहते हैं कि hmm. मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना है क्योंकि hmm. मैं पागल थोड़ी हूँ सो hmm. so, uh, उन्होंने कहा नो नो इट हैज नथिंग टू डू विथ मैडनेस आप चलिए मेरे साथ आपको वाकई में आपका इलाज hmm. हो सकता है और वो hmm. मुझे पहले पहले जब लेकर गए डॉक्टर के पास मुझे फोर्सफुली लेकर गए hmm. और मैं इंटरेस्टेड नहीं थी जाने के लिए बट धीरे धीरे जब मैंने रियलाइज किया कि यू नो चेंजेस आ रहे हैं इट टेक्स टाइम ऐसा नहीं है कि आप सडनली जाएंगे और एक गोली डालेंगे और आप बहुत अच्छा हो जाएंगे इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड बहुत हिम्मत बहुत मेहनत लगती है इट्स नॉट इजी वेरी वेरी डार्कुलट आप जैसे It's लोग जब either. सामने आकर इस बारे में बात करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिलती है इस बात से और जैसे आपने कहा कि आपको भी फैले yeah. लगा था कि मैं पागल थोड़ी हूं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं तो ये जो स्टिग्मा है वो उससे yes. हटता है जी जी और आगे। आगे। खास लिए। कि... मैं थे के मैं मैं कि आके बात करूं लोगों को। आपने इन्होंने जिस हिम्मत की बात की अपने आप से और दोस्तों से ये स्वीकार करना कि मुझे मदद की जरूरत है डॉक्टर के पास जाना और इस प्लेटफॉर्म पे आके पब्लिक में बात करना। सराहनीय है बहुत काबिल तारीफ है मैं चाहूंगा हम लोग आपकी हिम्मत को सराहनीय मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत जैसे हमने सुना वहां जिया खान का जैसे मसला था सुसाइड किया उन्होंने डिप्रेशन किसी ना किसी तरीके की दिमागी प्रॉब्लम प्रत्युषा बैनर्जी बात उठी डिप्रेशन था तो उस पर भी आप कुछ कॉमेंट करना चाहेंगे आपको लगता है कि जिस तरह का स्ट्रेस होता है हर दिन नया काम तलाशने का टॉप पे बने रहने का काम मिलने का तो ये कितना ज्यादा होता है इस तरह का जो स्ट्रेस है यहाँ इस आपकी फील्ड में बहुत बड़ा है ये बहुत hmm. बड़ा कारण है ये इन सब चीजों का ऑनेस्टली डिप्रेशन में जाने का बिकॉज um, आजकल वैसे भी फकेर अबाउट इंडस्ट्री मैं आम लोगों को देखती हूँ hmm. जो इतनी उम्मीद रखते हैं अपने बच्चों से पेरेंट्स hmm. इतनी ज्यादा कि उस बच्चे को बेचारे को लगता है कि मैं तो कुछ भी कर लू तो मैं कम हूं hmm. और अगर वो स्कूल में जाता है तो उसे स्कूल में एक ही तरह की शिक्षा पढ़ाई जाती है हर एक बच्चे को एक शिव की तरह बनाया जाता है किसी जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान एक ही तरह का है हम सब अलग हैं हम सबके अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव हैं अगर हम उन्हें देखकर एक बच्चे को पाले बड़े तो वो इस हद तक पहुंचेगा ही नहीं बिकॉज हमें लगता है कि ये सिर्फ जवानी में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बट इनकी जड़ तो बचपन है और ये मैंने ना सिर्फ अपने साथ बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ देखा है हर एक इंसान के साथ मैंने देखा है कि आपको कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो बचपन में किसी से नहीं कही होगी और वो आपके अंदर बैठ जाती है जब आप बड़े होते हैं सो so जब एक बच्चा बड़ा हो रहा है एज ए सोसाइटी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे कंपेशन दें हम उसे प्यार दें हम उसे सपोर्ट करें ताकि वो बड़ा होके इस स्तर तक पहुंचे ही नहीं चालीस पचास साठ साल पहले नहीं जैसे हमने आपसे कहा आप, ग्रेट कंपनी दशकों में, उन, उन में ये जागरूकता नहीं थी ये हिम्मत नहीं थी जो आप लोग आप दिखा रहे हो और इसलिए गुरुदत्त जी और बिना कुमारी जी बहुत सफर करके इस दुनिया से गए दी थिंग अबाउट दिस जनरेशन विच इज ग्रेट एंड मॉडर्न टाइम उट like 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 आपने जिन लोगों का नाम लिया क्रिएटिव लोगों का मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर सिंह आप बता सकते हैं या आप बता सकते हैं डॉक्टर नाथ कुमार के जो क्रिएटिव हैं जो ज्यादा इमोशनल हैं भावुक हैं काफी जो सेंसिटिव हैं उनमें क्या ये

हम बच्चों से खेलते तो हैं, लेकिन बच्चों से सीखते नहीं हैं। जिस दिन माता पिता अभिभावक बच्चों से सीखना शुरू कर दें, बजाय कि केवल के खेलना शुरू कर दें, तो शायद आपका जो समस्या है जी। ये बीमारी जो बाद में आई है, जैसा उन्होंने भी, भी कहा कि बचपन हाँ। के घाव तो जो बाद में उभरते हैं बचपन में आप कैसे कोप कर रहे हैं डील कर रहे हैं हम पैदा करते हैं इस घाव को